आपका हमारे डेली न्यूज अलर्ट चैनल पे हार्दिक स्वागत। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास न्यूज समय से पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, मानसून और चक्रवाती तूफान गुलाब की ताज़ा अपडेट जानिए। तो बता दें आपको कि दक्षिणी पश्चिम में मानसून बुधवार को मुंबई पहुंच गया। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने मुंबई के अलावा ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों के लिए 9 और 10 जून के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तो गुरुवार को भी इन जिलों में भारी बारिश हो सकती है। तो IIMD मुंबई ने कहा कि सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मुंबई शहर और उपनगरों में अगले 3 से 4 घंटों के लिए दौरान 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बारिश की संभावना है। तो अभी भी शहर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। सुबह से जारी बारिश के कारण सड़कों पर अभी भी घुटनों तक पानी जमा हो गया है। तो IIMD मुंबई के उप महानिदेशक डॉक्टर जयंत सरकार के मुताबिक सामान्य तौर पर मुंबई में मानसून हर साल 10 जून को पहुंचता है, लेकिन इस बार समय से एक दिन पहले दस्तक दे दी है। तो मुंबई में भारी बारिश को देखते हुए लोकल ट्रेन सेवा को कुर्ला और CSMT स्टेशन के बीच सुबह 9:30 बजे से रोक दिया गया था। तो बता दें आपको कि अगले कुछ दिन में मानसून तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बच्चे हुए सभी हिस्सों में सक्रिय हो जाएगा। अगले 4 से 5 दिन में छत्तीसगढ़, विदर्भ, बिहार, झारखंड, गुजरात, तेलंगाना समेत करीब 14 राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। तो इस हफ्ते ओडिशा, पश्चिम बंगाल को भी होगा मानसून। तो मौसम विभाग के मुताबिक 10 जून के बाद पूर्वी भारत और उससे लगे मध्य भारत में, खासकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में 11 जून को बंगाल और बिहार, 11-12 जून को पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में इस मानसून का पहला कम दबाव का क्षेत्र तैयार हो रहा है। इसके असर से ओडिशा, सिक्किम, झारखंड, बिहार, पूर्वी यूपी, MP और गुजरात के कुछ हिस्सों में मानसून पहुँच जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात में 11 से 13 जून के बीच भारी बारिश के आसार हैं। खबर को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। दूसरी ओर दक्षिणी गुजरात के तट पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में 11 से 13 जून के बीच भारी बारिश होने की संभावना है। तो मौसम विभाग के मुताबिक देश भर में 8 जून तक करीब 33.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो 1 से 8 जून तक होने वाली सामान्य औसत बारिश से 18% ज़्यादा है। तो ये बता दें कि कोलकाता में यास तूफान के कारण औसतन से 3 गुना ज़्यादा बारिश। तो कोलकाता में मई महीने में यास तूफान की वजह से औसत से 3 गुना ज़्यादा बारिश हो चुकी है। जून के पहले हफ्ते में भी प्री मानसूनी बारिश जारी है। उधर मुंबई में जून में बारिश का सामान्य औसत 493.1 मिलीमीटर, जबकि बीते 8 दिन में वहाँ कुल 135.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। तो इस बार पश्चिमी मध्य प्रदेश ज़्यादा भीगेगा। तो मौसम विभाग के 1 जून को जारी लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के मुताबिक इस बार भोपाल सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश में पूर्वी हिस्से से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी पश्चिम मानसून तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसकी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर वाली दोनों ब्रांच सक्रिय है। मौसम विशेषज्ञ AK शुक्ला के मुताबिक बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच एक ही दिन में उत्तर पूर्वी हिस्से को कवर कर चुकी है। यही रफ्तार रही तो 11 साल में ऐसा दूसरी बार होगा जब मानसून तय समय यानी 20 जून के पहले